से ये गुड्डन जो है वो बन गई है टेलीविजन की यंगेस्ट बहू फाइनली। जी हाँ, कब से इंतजार हो रहा था कि गुड्डन आएगी अपनी ससुराल और लीजिए एंट्री हो गई। जी हाँ, बहन से शादी होनी थी लेकिन एन मौके पर मंडप पे गुड्डन पहुंच गई। चलिए शादी वादी तो हो गई लेकिन हंगामा तो अब होगा, और तब होगा जब घर वालों को पता लगेगा कि एक्चुअली सासू माँ कोई और नहीं गुड्डन है। गुड्डन और एजे अब फाइनली बन गए हैं इंडिया के सबसे यंगेस्ट सास और ससुर। बताइए एजे और गुड्डन, आपको ये किताब कैसा लगा? ये राजाओं वाला लुक है, बहुत ही रॉयल लुक है, क्योंकि अक्षय जिंदल इंदौर का सबसे अमीर आदमी है, तो वो शादी भी करेगा, अगर भले मजबूरी में कर रहा है पर करेगा पूरे लेवल के साथ। तो ये जो है उसका रॉयल लुक है, ये मोर्जरी जो मैंने आधी पहनी हुई है सॉरी, और मेरा ये पूरा कॉस्ट्यूम है, ये पर्ल्स हैं जो हमने स्पेशली मद्रास कलकत्ता से मंगवाए थे जस्ट फॉर दिस शॉट, और ये रूबीज हैं जो हमने बांग्लादेश से मंगवाए हैं जस्ट फॉर दिस सीरियल गुड्डन, और ये सिल्क है चेन्नई का, वो भी देखिए आप, और ये समोसा है। मेरे भी कपड़े आपने शॉपिंग करे होंगे। ये समोसा है जो गुड्डन मेरे लिए आज लाई है दहेज में, जो एजी ने बनाया, तो एजी से शेफ, ये पता है ना सबको, बहुत टेस्टी समोसा बनाया मैंने, आप भी खाइए, बहुत अच्छा समोसा। यार इतनी बड़ी बाइट कौन लेता है यार? एजी लेता है, बड़े आदमी बड़ी बाइट, पूरा समोसा खत्म। तो बड़े आदमियों की यही बात होती है ना, बाइट भी बड़ी, बाइट भी बड़ी होती है, पैर भी बहुत बड़े हैं इनके। ये जब आज सेट पे चल के आई तो मुझे लगा रानी पद्मावती चल के आ रही है। देखो इनको पता है क्योंकि मैं इनको 100 बार बोल चुका हूँ सुबह से, ये इतनी खूबसूरत लग रही है आज इस कॉस्ट्यूम में। मैंने आपकी बता दो कितनी तारीफ, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि ये खूबसूरत लग सकती है, इतनी आज देख लिया मैंने। ये ना सब लोग सही कहते हैं, ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैं पिछले 3 दिन से तारीफ कर रही हूँ क्योंकि ये 3 दिन से शादी मना रहे हैं, ये गलत मैंने सिर पे चढ़ा लिया, मुझे नहीं खाना। मैंने बनाया अब तो बिल्कुल समोसा है, समोसा। अच्छा तारीफ करो पहले थोड़ी सी। मैं यही बोल रहा हूँ, शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड या स्टनिंग कंप्लीटली। अब एजे को क्या पता था कि जिसके साथ वो 7 फेरे ले रहा है वो गुड्डन की बहन नहीं बल्कि खुद गुड्डन है। जानबूझ के गुड्डन ने एजे से शादी करने का फैसला ले लिया, अब भी अपनी बहन को बचाना भी तो था, और ऊपर से इन तीनों बहुरानियों का एक अलग ही सियापा। अब तक तो हमको पता नहीं है कि दुल्हन कौन है, श्वेता है या गुड्डन है, बट जैसे ही पता चलेगा तो आपको पता चलेगा हमारा क्या रिएक्शन है, उसके लिए आपको सीरियल देखनी पड़ेगी। इतने बड़े घर और इतने बड़े परिवार में अब गुड्डन आ तो गई है लेकिन यहाँ रहना उसके लिए कितना मुश्किल होगा ये तो यहाँ रहकर ही पता चलेगा। तो गुड्डन अब तक जैसा कि आप करती आ रही है वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सासू माँ का नहीं बहुओं का राज चलता है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का। अगर आप वाकई कुछ करना चाहती हैं तो सच्ची की सासू माँ बनिए, क्योंकि सासू माँ बनने के बाद ही कहानी में असली फ्लेवर आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।